शहनाज गिल के जो पिताजी हैं संतोख सिंह, उनको बताया गया है कि दिवाली से पहले उनके घर के अंदर घुसकर उन्हें मारा जाएगा। देखिए पंजाब अब धीरे धीरे सेलिब्रिटीज के लिए सेफ नहीं रहा है। आपने बीते दिनों देखा होगा लेजेंड सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ था, एंड अभी 6 या 5 दिन पहले ये बात है अल्फा जो कि सिंगर हनी सिंह के ग्रुप में है उन पर जानलेवा हमला हुआ था। अभी तो वो सुरक्षित है, लोगों को पकड़ लिया गया जिन्होंने हमला किया था। एंड अभी शहनाज गिल के जो पिताजी हैं संतोख सिंह, उनको बताया गया है कि दिवाली से पहले उनके घर के अंदर घुसकर उन्हें मारा जाएगा। और भाई ये जो कॉल आया था, कमाल की बात है, इंडिया से कॉल आया ही नहीं, ये कॉल था कनाडा से। और मैं आपको पहले बता दूं, जो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे हैं उनका भी लिंक कनाडा से कहीं ना कहीं था। और अब कहानी ये आती है कि कनाडा कैसे इन्वॉल्व है इन सारे क्राइम के पीछे। देखिए मैं आपको पूरा इसका ब्योरा समझा देता हूँ। देखिए जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करी उन्होंने ही सलमान खान को दिया था डेथ थ्रेट कि भाई अब तू नहीं बचेगा। उनके पिताजी को चिट्ठी वगैरह मिल गई थी कि आपके बेटे को मारा जाएगा। एंड जो शहनाज है भाई वो कहीं ना कहीं पंजाब इंडस्ट्री से आती है, एंड नाउ शी इज वर्किंग विद सलमान खान इन द मूवी किसी का भाई किसी की जान। और यहाँ से वो लोग अब बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे कि भाई हमारी इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेस है वो सलमान खान के साथ क्यों काम कर रही है, मतलब कि घुमा फिरा कर सलमान के चक्कर में शहनाज गिल को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। देखिए अब शूट तो पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट कुछ एक चीज़ें रह रही हैं जो बस सलमान खान की है, मतलब कि मूवी बनकर तैयार है। और मूवी बनकर तैयार है इसी चक्कर में अब शहनाज कुछ कर भी नहीं सकती, और शायद उनको कुछ करना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग धमकी देने से अगर डरने लगे तो भाई सिनेमा बनना ही बंद हो जाएगा। अब देखते हैं कि पुलिस इस चीज़ पर क्या एक्शन लेती है, सलमान खान इस चीज़ पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि शहनाज भाई ग्रो तो कर रही है और मैं आपको बता दूं आने वाले 1-2 साल में बड़ी एक्ट्रेस बन के भी निकल सकती है। बाकी अब कनाडा की पुलिस क्या करती है इस चीज़ पर, भारत सरकार क्या करती है, वो आपको अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएंगी। आप बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, बाय।